क्या आप भी लखनवी खाना खा खा कर बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? तो अब आपके लिए सलेमपुर हाउस में फूड फेस्टिवल चल रहा है। आप यहां पर जाकर देश के कोने कोने के फूड को ट्राई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर कश्मीरी, कलकत्ता और गुजरात के साथ ही बंगाली खाना भी आपको खाने के लिए मिलेगा। वहां की जो भी मशहूर पकवान है उसको लेकर लोग आए हुए हैं। यही नहीं, लखनऊ का भी ऐसा फूड जो आज तक आपने नहीं खाया होगा वो इस फूड फेस्टिवल में आपको मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हैं, ये एक स्टार्टअप है जो गर्ल्स ने तैयार किया है। पूरी कैंडीज है और होममेड कैंडीज है। ये आप सामने देख सकते हैं। ये भी कलकत्ता का डोसा है और ये राजस्थानी दही भल्ले हैं। जी हाँ, इसको दही बड़ा भी कहते हैं। ये पूरा राजस्थानी खाना यहाँ पर सजाया गया है। और आपको खास बात बता दें कि इनका रेट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। यहाँ पर खाने का प्राइस ऐसा है कि आप कम बजट में अपने परिवार के साथ आसानी से अलग अलग व्यंजनों और पकवानों का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यह जो है फूड फेस्टिवल अभी लखनऊ में 5 दिन रहने वाला है। आइए आपको ले चलते हैं गुजराती खाने की ओर, जहां पर फाफड़ा आपको नजर आ रहा है, ढोकला नजर आ रहा है और तरह तरह से इडली सांभर भी यहां पर बनाकर तैयार किए गए हैं। आइए आपको ले चलते हैं राजस्थानी खाने की ओर। ये पूरा राजस्थानी खाना है जिसमें कि मूंग की दाल का हलवा आप सामने देख सकते हैं और ये इतना टेस्टी है कि इसको खाने के बाद आप बाकी हलवों को भूल जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं ये राजस्थानी पूरे पकवानों को तैयार किया गया है। और खास बात यह है कि इनका भी प्राइस बेहद कम है और ये शुद्ध वहीं पर आपको बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप जो सामने देख रहे हैं इसे राजस्थान का ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी कहते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ पे उगती है और वहीं से इसको बनाया जाता है। जी हाँ, इसका टेस्ट एकदम अलग है क्योंकि हमने इसे ट्राई किया है। ये राजस्थानी लाल मांस है। कहते हैं लाल मांस राजस्थान में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसको भी ट्राई करने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो इसे खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गर्म दूध की भी लखनवी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और इमरती आप सामने देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं कलकत्ता का स्पेशल फूड है। खाना आपने टेस्ट किया, कैसा लगा आपको? हाँ, यहाँ का खाने में सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोकल फ्लेवर है। ग्लोबल क्यूलिनरी आर्ट है लेकिन फ्लेवर बहुत लोकल है। और जो स्वाद है वो ऐसा निखर के आता है कि हर तरह का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और मन को भाता है। इसलिए यहाँ के खाने में सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही ओरिजिनल है। हम लोगों के पास पॉप्स हैं, डोनट्स हैं, अभी हम लोग सैंडविच बनाने वाले हैं, फ्लेवर चॉकलेट्स हैं और ये देखिए रोज़ वाली चॉकलेट्स, दे आर वेरी गुड। ये चीनी और दूध से पकाते हैं, इसको बोलते हैं बम्बैया मिठाई, पुरानी है और अब तो इसको कहने लगे हैं कैंडी, बहुत से लोग कहने लगे हैं। रेट 20 और 30 और 50 का होता है। आइटम के हिसाब से मैम पैसे बताया जाता है। इसमें कम माल लगता है उसका कम पैसे हैं, इसका ज़्यादा माल लगता है उसका पैसे ज़्यादा। लखनऊ में भी मिलती है, हर एक जगह मिलती है मैम। मैं भी फेरी पे हूँ, फेरी पे जाते हैं। फिलहाल यहाँ बारादरी में मैं आया हूँ, सेट पे बुलाए गए हैं। कैसी लगती है खाने में? कैसी? ये मीठी होती है मैम, हल्का सा दाँत में सटता है, सटने के बाद में छूट जाता है सील के। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।